तो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 फीट की छोटी सी आपकी छतरी पे, जो आपकी डीडी फ्रीडिस वाली छोटी छतरी होती है, उस पे आप बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट को कैसे ट्रैक करें। तो दोस्तों, अगर आप नए हो डिश की फील्ड में, आपने अभी तक बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट को ट्रैक नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपकी 2 फीट की जो छतरी है, चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, उसमें बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट को कैसे ट्रैक करें, डीडी फ्रीडिस से कितना घुमाना है आपको कि बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट ट्रैक हो जाए। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखो दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे डीडी फ्रीडिस पे छतरी सेट, और डीडी फ्रीडिस से एयरटेल की ओर घुमाएंगे, एयरटेल 108 डिग्री पे, और एयरटेल से हल्का सा घुमाएंगे और फिर नीचे डाउन करेंगे, तो हमारा बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट ट्रैक हो जाएगा। तो ठीक है, ये देख लो पहले। अभी मैंने डीडी फ्रीडिस सेट करके रखी है और LNB की पोजीशन आपको दिख रही होगी। तो डीडी फ्रीडिस में ऐसी LNB की पोजीशन होती है दोस्तों, और ये निशान देख लो मैंने जो लगाए हुए, ये देख लो दोस्तों, ये जो काले कलर का निशान लगाया हुआ है ये डीडी फ्रीडिस का है, और उसके आगे ये लाल वाला जो निशान है वो एयरटेल का है, यानी कि इससे घुमाएंगे तो एयरटेल आएगा। एयरटेल के बाद एक हल्का सा काला निशान आपको दिख रहा होगा, वो बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट का है। तो पहले मैं आपको डीडी फ्रीडिस के सिग्नल बता देता हूँ, ये देख लो। तो ये रहा 11090 बता रहा है, 11090 वर्टिकल 27500, ये डीडी फ्रीडिस की सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी है दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, एयरटेल सेट करना है। अगर आपको बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट को ट्रैक करना है तो अभी डीडी फ्रीडिस से एयरटेल सेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आपके कैमरे को हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, ये मैंने हल्का सा घुमा दिया ऊपर की ओर दोस्तों। अब आपको आपकी छतरी को हल्का सा घुमाना है, देखिए जो मैंने लाल निशान लगा रखा इतना घुमाना है। तो मैं छतरी को घुमा देता हूँ, देख लो दोस्तों, मैंने लाल निशान तक घुमा दिया है, देख लो, ये लाल निशान के वहां तक घुमा दिया है, और उसके बाद में ये निशान भी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। इतना तक आपको छतरी नीचे झुकाना है ना, अभी आपको नीचे झुकाना है तो आपका एयरटेल का सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एयरटेल की टीपी डाल लेता हूँ, तो ये रही दोस्तों मेरी एयरटेल की टीपी 11483 वर्टिकल 28700, ये एयरटेल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी है दोस्तों, ये देख लो। अभी मैं छतरी को डाउन करूंगा तो एयरटेल के सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं छतरी को करता हूँ डाउन, ये निशान तक, ये देख लो निशान, ये बीच में एक निशान है आपको हल्का सा दिख रहा होगा। अभी मैं छतरी को नीचे डाउन करता हूँ, तो ये देख लो दोस्तों, ये सिग्नल आ चुका है 25%। तो अभी मैं छतरी को हल्का सा हिलाता हूँ तो सिग्नल पूरे आ जाएंगे। तो ये देख लो दोस्तों, 70% तक आ गया सिग्नल। तो एक बार फिर से दोस्तों सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हल्की सी और घुमा लेता हूँ, तो ये देख लो दोस्तों सिग्नल भी मेरा बढ़ गया एयरटेल के। इतना सा घुमाना है आपको, ये निशान भी लगा रखा मैंने, लाल निशान एयरटेल का है। तो ये मीटर में सिग्नल देख लो दोस्तों, 11885 वर्टिकल 27500 वाली ये टीपी एयरटेल की है। अब दोस्तों अब आपको इस पे बंगा बंधु 119 डिग्री ईस्ट को ट्रैक करना है, तो हल्का सा और घुमाना पड़ेगा उल्टे हाथ की तरफ, और हल्का सा और नीचे डाउन करना पड़ेगा, यानी कि एयरटेल से भी नीचे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बंगा बंधु की टीपी डाल लेता हूँ यहाँ पे,
ये रही दोस्तों 11725, वर्टिकल 17500, देख लो दोस्तों। अभी हमको इस पे सिग्नल लाने के लिए छतरी को हल्का सा घुमाना है, बस थोड़ा सा घुमाना है और डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने निशान लगाया हुआ है दोस्तों, तो हल्का सा जो आगे का ये जो काला काला निशान है वहां तक घुमाना है और डाउन करना है। ये डाउन करने के लिए भी निशान एक और लगाया हुआ है मैंने, ये वाला, यहाँ तक इसको पहले डाउन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने छतरी को डाउन कर लिया, अब इसको घुमाता हूँ मैं। तो ये देख लो दोस्तों सिग्नल आ गया। बस हल्का सा घुमाया इतना और सिग्नल आ गया। ठीक है, देख लो निशान आप। दोस्तों बहुत ही इजी है ये, देख लो निशान भी मैंने सब कुछ लगाया हुआ है। ये इतना झुकता है तब डीडी फ्रीडी से रहता है, इतना झुकता है तब एयरटेल, और ये इतना झुकता है तब बंगाबंदी। तो ठीक है दोस्तों, ये नीचे के भी निशान देख लो, बहुत ही कम डिश घूमती है। ये वाला जो निशान है वो डीडी फ्रीडी का है, ये वाला, और इसके बाद ये लाल वाला एयरटेल का, और ये आगे बंगाबंधु का हल्का सा काला वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कितना छतरी को झुकाना पड़ता है। और दोस्तों आपको भी बता दूं कि मेरी लोकेशन पे बंगाबंधु का पहले अच्छा खासा सिग्नल मिलता था जब ये सेटेलाइट शुरू में लॉन्च हुई थी तब, लेकिन अभी जो है इसके सिग्नल आपको पता है कि हमारे एरिया में वीक हो गया। मैं इधर गुजरात बॉर्डर की तरफ रहता हूँ, एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन गुजरात बॉर्डर की तरफ हूँ, तो इधर यूँ भी इसके सिग्नल वीक है 2 फीट में। तो मैंने 2 फीट पर ट्रैक कर तो लिया, लेकिन चैनल कम मिले हैं मुझे, सिर्फ 4 ही चैनल मिले हैं। लेकिन मेरा मकसद था कि आपको जानकारी दूँ कि बंगाबंधु कैसे ट्रैक की जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट बता देता हूँ। और 4 फीट पर दोस्तों मुझको पूरे चैनल मिलते हैं, लेकिन 2 फीट पे कम ही चैनल मिलते हैं, सिर्फ 4 ही चैनल मिल रहे हैं आज की तारीख में। तो चलो मैं आपको स्कैन करके बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों एक और बार फिर से बता दूँ, ये जो स्कैनिंग अभी प्रोसेस हो रही है ये सिर्फ 2 फीट की छोटी छतरी पे स्कैनिंग हो रही है। तो 2 फीट की छोटी छतरी पे मुझको सिर्फ 4 चैनल ही मिले हैं, और अगर इसकी जगह मैं 4 फीट की छतरी यूज़ करता तो मुझको ज़्यादा चैनल मिलते। और वैसे ही मेरी लोकेशन पे दोस्तों बंगाबंधु थोड़े सिग्नल 2 फीट पे कम इसके आते हैं, 2 फीट पे कम सिग्नल आने के कारण मेरे पास चैनल भी सिर्फ 4 ही आए हैं। और अगर इसकी जगह मैं 4 फीट की छतरी यूज़ करता तो मेरे पास ज़्यादा चैनल आ सकते थे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एंजॉय कीजिए।